तो क्यों ना आपकी बार देशभक्ति वाली दिवाली मनाई जाए। चीन के बने पटाखों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। ये पटाखे सेहत को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, हमारे देश को भी गरीब बना रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं चाइनीज पटाखों भारत छोड़ो। चीन में बने पटाखे जो हर दिवाली भारत में भेजे जाते हैं और जो देश के बाजार पर कब्जा कर लेते हैं, वो आपको कितना बीमार बनाते हैं इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। आपकी सेहत के साथ साथ ये पटाखे देश की सेहत भी बिगाड़ रहे हैं। पहले आपके शरीर की बात करते हैं। चाइनीज पटाखों की गैस शरीर के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर आपके दिल और आंखों के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, नुकसानदेह है। चाइनीज पटाखों की आवाज 6 गुना ज्यादा होती है, जिसका असर सीधे आपके कान पर पड़ता है और दिमाग पर पड़ता है। इन पटाखों की जरूरत से ज्यादा तेज आवाज हार्ट पेशेंट्स के लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक होती है। ज्यादा तेज आवाज से हार्ट बीट अनियमित हो जाती है, इनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तेज रोशनी से रेटिना जलने का भी खतरा होता है। ये वो दिक्कतें हैं जो चाइनीज पटाखे आपके शरीर पर करते हैं। और अब बात देश की सेहत की करते हैं। चीन अपने जहरीले पटाखे भारत को बेचकर हमारे पैसे से अपनी अर्थव्यवस्था को चमकाने का काम कर रहा है। कुछ आंकड़े जान लीजिए। भारतीय बाजार में चीन के पटाखों का कारोबार 80% तक हो गया है, यानी अपने ही देश में भारत के पटाखों का कारोबार सिर्फ 20% बचा है। अब दोनों देशों के बीच व्यापार पर अगर हम नजर डालें, तो भारत चीन से 4,13,000 करोड़ रुपए का सामान मंगवाता है, जबकि भारत चीन को सिर्फ 60,000 करोड़ का सामान बेचता है। तो आप डिफरेंस देखिए हमारे आयात और निर्यात में। कुछ साल में ही चीन का पटाखा बाजार ने भारत के आतिशबाजी बाजार को जलाकर राख कर दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं। आतंक का आका पाकिस्तान हमेशा चीन का चहेता रहा है। जिस दिन से चीन ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने से इनकार किया और ब्रह्मपुत्र का पानी भारत के लिए रोका, चाइनीज सामान को बैन करने की मांग देश भर में तेजी से उठने लगी। हिंदुस्तान के अंदर नहीं लाई जाएगी, न चलाई जाएगी, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। चीन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। चाइना की कोई चीज नहीं चलाई जाएगी, कोई पुर्जा नहीं चला जाएगा। दिवाली पे पटाखे दिए और मूर्ति कोई चीज नहीं होगी चाइना की। चाइना के खिलाफ आंदोलन होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। सिर्फ हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का ही सब कुछ होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एक साथ है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ है। सुनो भाई सुनो, चीन का बहिष्कार किया जाएगा। चीन के सामान के बहिष्कार की यहाँ पर बात कही जा रही है। ये फैसला गांव की पंचायत ने लिया है। वजह चीन के खिलाफ गुस्सा है जो अब सड़कों पर आ गया है। और दिल्ली और केंद्र सरकार ने चाइनीज पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। चाइनीज पटाखे बेचना और स्टोर करना गैर कानूनी है, लेकिन हकीकत इससे एकदम जुदा है। रोक के बावजूद भी चाइनीज पटाखे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। देखिए जी मीडिया संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट। हमारे लिए देश से ज़्यादा बड़ा चीज़ कुछ है नहीं, तो इसके लिए चाइना का सामान का विरोध होना चाहिए। चाइनीज पटाखे जला रहे हैं देश। चाइनीज पटाखों का देश पर है कब्जा। पहले चाइना का सामान नहीं आता, तब भी दिवाली मनाई जाती थी। आप देशभक्त हैं तो चाइनीज पटाखे क्यों? चाइना सारा पैसा कमा रहा है हिंदुस्तान से और गुनगा रहा है पाकिस्तान के, क्यों भाई? चाइनीज पटाखों भारत छोड़ो। चीन का बहिष्कार किया जाएगा। इस गांव में चीन का कोई सामान नहीं बिकेगा। अब की दिवाली देशभक्ति वाली। रोशनी और रोमांच के लिए कुछ साल से चीनी आतिशबाजी का खूब इस्तेमाल हो रहा है।
घातक केमिकल से बने चाइनीज पटाखे सस्ते भले होते हों पर जिंदगी में अंधियारा फैला देते हैं। चाइनीज पटाखों में होता है खतरनाक पोटेशियम क्लोराइड, जो कि एक खतरनाक रसायन है। इससे फौरन आग लग सकती है और ये कभी भी फट सकता है। पोटेशियम क्लोराइड का यूज इंडिया में बैन है, जबकि चाइनीज क्रैकर में ये बड़े वाइडली यूज होता है, क्योंकि एक चीपर सब्सटेंस है, इसकी एक्सप्लोसिव पावर ज़्यादा है और ये कलरफुल ज़्यादा है। तो क्रैकर्स को कलरफुल और मोर एक्सप्लोसिव और उनको ज़्यादा हाइट देने के लिए, ताकि एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा मिले, चाइनीज क्रैकर पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि 1992 में बने कानून के मुताबिक देश में ऐसे पटाखे नहीं बेचे जा सकते जिसमें पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इसके बावजूद चाइनीज पटाखे बेरोकटोक देश के बाजारों को कब्जे में लिए हुए हैं। महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार को उठाना चाहिए कि जितने भी पटाखे इस देश में आए सबको पोर्ट के ऊपर क्वालिटी टेस्ट हो, अगर वो मिनिमम स्टैंडर्ड को नहीं मीट करते हैं तो उनको पोर्ट पे ही रिजेक्ट कर दिया जाए, उनको मार्केट में नहीं आने दिया जाए। पोटेशियम क्लोराइड वाले चाइनीज पटाखे कम वक्त में बेहतर रोशनी देते हैं और भारतीय पटाखों की तुलना में पोटेशियम क्लोराइड वाले पटाखों में विस्फोट की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। चाइनीज पटाखों के तेज धमाके हार्ट पेशेंट के लिए घातक हैं। विस्फोट से हार्ट बीट अनियमित होती है जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये चाइनीज क्रैकर ये बहुत अनस्टेबल क्रैकर है, थोड़ा सा भी फ्रिक्शन हो या कोई भी छोटी सी कहीं पे कोई छोटी मोटी चिंगारी है तो वो काफी बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है। आतिशबाजी से निकलने वाली तेज रोशनी आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। एकाएक तेज रोशनी से आंखों के रेटिना जलने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से कम दिखने या आंखों की रोशनी भी जा सकती है। धमाकों से कान का पर्दा फटने के साथ कान की नसें भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। कान के पर्दे का इलाज फिर भी हो सकता है, लेकिन नसों का उपचार आसान नहीं होता। पोटेशियम क्लोराइड जब सब्सटेंस है, इसके 2 मेन इफेक्ट हैं, स्किन के ऊपर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। स्किन के ऊपर ये स्किन इरिटेशन करता है, बर्निंग सेंसेशन देता है, बर्निंग इंसिडेंसेस, इवन डैमेज टू द आईज, धुएं की वजह से नाक कान की एलर्जी भी होती है। आतिशबाजी की आवाज और जहरीली गैस गर्भवती माँ और बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है, इट कैन कॉज इरिटेशन टू द नोज, थ्रोट एंड लंग्स। दीपावली दीपों का त्योहार है, लेकिन चीनी सामान ने दीपावली के दीपों की जगह पर कब्जा जमा रखा है। रंग बिरंगी लाइट, चमकती धमकती लाइट, लेकिन ये चकाचौंध दीपावली को तो रोशन कर रही है, लेकिन कभी दिए के जरिए आपकी दिवाली रोशन करने वालों की जिंदगी में अंधेरा जरूर कर दिया है। दिए बनाने की कला में माहिर हाथ वक्त के साथ कमजोर पड़ते जा रहे हैं और ये ग्रामीण भारत का दुख है, क्योंकि चीनी लाइट आने से इन लोगों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। चीनी वस्तुओं के विरोध के कैंपेन के बीच अगर आपकी दीपावली शुभ हो तो कैसा होगा? अगर आप दीपावली पर दीप जलाएं तो शुभ माना जाता है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप चीन की सांकेतिक विरोध भी कर पाएंगे और इन जैसे कलाकारों के चेहरे पर मुस्कान भी ला पाएंगे। मिलिए परमार से, दिल्ली के शहादरा में रहते हैं, दिए बनाते हैं। दिल्ली में मांग भी खूब है और बिकते भी खूब है, लेकिन चीनी सामान के विरोध में उठ रही आवाज का वो भी समर्थन करते हैं। आखिर क्यों? आप उन्हीं से सुनिए। सर बहुत फायदा होगा, पूरी दिल्ली का पूरा भारत ही कुमारों के दिए से जगमगाएगा हमारा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा माल हमारे भारत के अंदर ही इस्तेमाल हो, चाइना का माल ना आए, तो हमारे कुमारों पर भी बहुत फर्क पड़ेगा।